नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। राजभवन के समीप आंगनबाड़ी पोषक सखी संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या मांगे हैं। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के बैनर तले राज्य व्यापी मुख्यमंत्री आवास के घेराव कार्यक्रम आज हम लोग जाकिर हुसैन पार्क राजभवन के समक्ष गांधीवादी नीति के तहत हम लोग अपने प्रदर्शन आज किए हैं और 5 सूत्री डिमांड के साथ स्थायीकरण मुद्दा को लेकर हम लोग आज ये प्रदर्शन किए हैं। हमारे मांग सरकार 5 अप्रैल तक हमारे मांगों पर स्थायीकरण के मुद्दे पर अगर गंभीरतापूर्वक विचार झारखंड सरकार नहीं करती है तो 5 अप्रैल के बाद संघ चरणबद्ध आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होगा और इसी धरती पर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन छेड़ेंगे। हम लोग संथाल परगना क्षेत्र से आए हैं और संथाल परगना क्षेत्र का इतिहास रहा है कि वहाँ सिद्धू कांदू का भूमि है, चांद भैरव का भूमि है, तिलका मांझी का भूमि है और उस भूमि से हम लोग उठकर आज यहाँ आए हैं अपनी डिमांड को देने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा जो डिमांड है स्थायीकरण का मुद्दा को अभिलंब आप पास कीजिए, पास करके जो पोषण सखी का बकाया मानदेय है वो मार्च के अंतिम सप्ताह तक आप दे दीजिए। अभी वर्तमान समय में कुछ पोषण सखी मेरा बहने विधानसभा के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। मर नारी आज रांची के पुलिस के प्रशासन के द्वारा उन बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया है जिसका हम घोर निंदा करते हैं। ऐसे प्रशासन को भी हम घोर निंदा करते हैं क्योंकि आज पूरा देश बोल रहा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और ये झारखंड में और बेटियों के ऊपर अत्याचार और लाठी बरसाया जा रहा है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। एक कम निंदा ने अपने घोर निंदा करता हूँ पुलिस प्रशासन का, ये हरकत अच्छा नहीं है। विजय कुमार, प्रदेश संरक्षक, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ, झारखंड। तो आपने सुना कि झारखंड सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।